जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा जय श्री राम भक्तों दोस्तों आज की कथा है किस्मत और मेहनत का झगड़ा आइए कथा श्रवण करें बहुत समय पहले की बात है एक बार मेहनत और किस्मत साथ साथ चल रही जा रही थी दोनों में से कौन बड़ा है और ज़्यादा श्रेष्ठ है इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया दोनों ही अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ साबित करने पर तुली थी इसी बहसबाजी के दौरान किस्मत ने मेहनत से कहा मेरे बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता इसी से तुम मेरे महत्व को समझ सकती हो कि मैं यानी किस्मत कितने बलवान हूँ लेकिन मेहनत किस्मत के इन तर्कों से सहमत ना हुई दोनों जिस रास्ते से गुज़र रही थीं, उसी रास्ते से उस समय एक बहुत गरीब व्यक्ति भी गुजर रहा था इस पर किस्मत ने उस व्यक्ति के आगे एक हीरे की अंगूठी डाल दी जब उस व्यक्ति की नज़र हीरे के अंगूठी पर पड़ी तो वह खुद को किस्मत का धनी समझकर वह अंगूठी ले चलता है चलते चलते उसे प्यास लगी तो वह थोड़ी ही दूर पर एक नदी किनारे पानी पीने के लिए रुका जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुका अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में जा गिरी और उसे एक मछली ने निगल लिया इस पर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ चला यह देखकर मेहनत थोड़ा हँसी पर वह फिर शांत खड़ी रही वह अभी कुछ ही दूर गया था कि किस्मत ने आगे बढ़कर अब की बार एक हीरे का हार उसके सामने डाल दिया हीरे का हार रास्ते में पड़ा मिलने पर एक बार फिर वह अपनी किस्मत पर खुश हुआ और खुशी के इसी आलम में वह आगे बढ़ चला वह हार को उठाकर देखते हुए जा रहा था कि थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और हार को झपट कर वह हार लेकर वहां से चंपत हो गया उस गरीब व्यक्ति ने कौवे का पीछा करने की बहुत कोशिश की किंतु वह कौवे को पकड़ ना सका बेचारा फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे की ओर बढ़ चला इस बार भी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे मार्ग में एक बड़ा सा पारस पत्थर दिखाई दिया इस बार वह यह सोचकर बड़ा खुश हुआ कि अब तो वह इसे बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और फिर उसे कभी जीवन में मेहनत मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पारस पत्थर लिए वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई है पारस पत्थर रखकर वह खुशी खुशी पत्नी को बुलाने चला गया लेकिन इसी दौरान एक अन्य पड़ोसन किसी काम से उसके घर पर आई और पारस पत्थर पर नज़र पड़ते ही वह उस पर मोहित हो गई और उसने उसे चुपचाप उठाकर अपने घर को ले चली उधर जब वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो पारस पत्थर को गायब पाया और निराश होकर अब की बार तो अपनी किस्मत पर वह सचमुच रोने लग गया वह अपनी किस्मत को इतना कोस रहा था कि मेहनत उसे देख देख कर हंस रही थी किस्मत भी मुंह हीरे की अंगूठी हीरे का हार पारस पत्थर आदि बेश कीमती चीजें मिलने के बाद उसने सोचा था कि अब उसे जीवन में कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेकिन भूखे प्यासे आखिर कब तक जिया जा सकता था आखिर उसने मेहनत करके जीवन यापन करने के ठान ली और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा वह अपनी किस्मत को कोसता जा रहा था किंतु अब मेहनत करने के बारे में सोचता जा रहा था वह सोच रहा था मेहनत करके मैं बहुत धनी व्यक्ति बन जाऊंगा किस्मत के बाद अब बारी थी मेहनत की परीक्षा की हताश निराश वह व्यक्ति अपने ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई जिसे वहाँ पर मेहनत ने रखा था कुल्हाड़ी पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ चला एक वृक्ष के पास पहुंचकर वह उसे काटने लगा कि तभी पेड़ काटते काटते उसने देखा पेड़ की खोह में एक हीरों का हार पड़ा हुआ है हार देखकर वह तक्षण उसे पहचान गया कि वही हार है यह जो उसे रास्ते में मिला था और एक कौवा उसे लेकर उड़ गया था लकड़ियों का ढेर तथा हार लेकर वह घर पहुंचा हार देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई दोनों मिलकर अब मेहनत कर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे इस बीच उस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन अचानक यह बात आई कि क्यों न मछलियां पकड़कर मछली बेचने का ही काम किया जाए इससे अधिक धन की प्राप्ति हो सकेगी यह सोचकर वह नदी के पास जा पहुंचा और ढेर सारी मछलियां पकड़ लाया मछलियां लेकर वह बाज़ार पहुंच गया तो उसकी सारी मछलियां अच्छे दाम पर बिक गईं सिर्फ एक मछली बाकी बच गई उसने सोचा कि इस मछली को आज रात घर में ही पका लेंगे घर पहुंचकर जैसे ही पकाने के लिए उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से हीरे की वही अंगूठी बाहर आ गिरी जो उससे पानी पीते वक्त नदी में जा गिरी थी हीरे की अंगूठी वापस मिलने पर पति पत्नी बहुत खुश हो गए उनके खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा इस खुशी के आलम में ही दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे मिल गया मिल गया इस पर उनकी पड़ोसन जिसने उनके घर से पारस पत्थर चुराया था उसे लगा कि शायद इन लोगों ने मेरे घर में रखे पारस पत्थर को देख लिया है यही सोचकर उसने पारस पत्थर उन्हें लौटाते हुए उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसे गलती ना करने का आश्वासन दिया अब तो पति पत्नी और भी खुश हो गए और खुशी खुशी रहने लगे लेकिन उन्होंने मेहनत करना फिर भी नहीं छोड़ा यह सब देखकर किस्मत ने भी माना कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जय श्री राम भक्तों